तो टाइम हो रहा है 12:40 ओडियो जंप। हेलो फ्रेंड्स, हो गई है सुबह और सबकी पहले हो गई थी। आज मैं फिर लेट हुई है क्योंकि आज है संडे, तो संडे इज फन डे। तो बट मेरा कोई फंडे वनडे नहीं है अभी, तो आज थोड़ा सा लेट से उठी हूँ क्योंकि संडे था। अब कल से वही स्कूल और वही टाइमिंग, तो बस इसलिए थोड़ा सो ली और रात को थोड़ा लेट हो गया था मुझे, क्योंकि बच्चों का मैंने लेट तक काम करवाया था और उसके बाद में थोड़ा सा बच्चों के साथ में मस्ती हुई थी तो इस वजह से, और फिर मैं सोफे में यही लेट गई बच्चों के साथ में और उसके बाद मुझे नींद नहीं आई है, तो लेट नाइट सोई हूँ तो इसलिए थोड़ा सा लेट उठी हूँ। कोई बात नहीं, कितना भी लेट उठूँ अभी एकदम सुपर फास्ट ट्रेन की तरह अपने काम शुरू करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आ गए हैं हम ऊपर और मौसम अच्छा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी थोड़ी कम तो हुई इस बारिश के होने से। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से फ्रेश हो जाती हूँ मैं। बारिश हुई है शायद थोड़ी सी क्योंकि छतें गीली पड़ी हुई हैं थोड़ी। हाँ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो बस अभी मैंने डिनर बना लिया है। सुबह के बाद में मैंने कोई शूट नहीं किया क्योंकि मैं मतलब कपड़े पड़े रखती रही थी तो बस उसी में बिजी हो गई थी और बहुत गर्म हो रहा था, लाइट भी बहुत लंबी गई थी तो पूरा पसीने से कचकच हो रहा था, तो इसलिए मूड नहीं हुआ। और उसके बाद में अभी मैंने आज खाने में बनाया है आलू का पराठा। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से हम लोग ये खाना खा लेते हैं क्योंकि अभी मुझे फराज का और भी जो काम है वो सब करवाना है क्योंकि कल उनका स्कूल है। हेलो फ्रेंड्स, तो टाइम हो रहा है 12:40 और बहुत ज़्यादा मुझे थकान हो गई है, इतनी थकान लग रही है बहुत तेज़ वाला, क्योंकि अभी तक मैं फराज का काम करती रही हूँ और करवाती रही हूँ क्योंकि मौदहा से हम लोग काफ़ी लेट आए तो जो बहुत सारा काम था वो मौदहा में नहीं करवा पाए, तो इसलिए अभी खट्टा मुझ पर पड़ रहा है ये लोड। तो बस वही सब करवा के अब मैं फ्री हुई हूँ। तो अभी मुझे याद आया कि मैंने गाड़ी भी अंदर नहीं रखी थी, तो फिर बस अभी फराज को मैंने जगाया जैसे तैसे कि भाई मेरी गाड़ी रखवा दो अंदर, क्योंकि मतलब बाहर अकेले निकलने मुझे डर लगता है थोड़ा सा, तो बस अभी मैंने गाड़ी अंदर रखी है। तो फ्रेंड्स चलिए, ज़्यादा कुछ हिम्मत नहीं है मेरे अंदर, आज मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि ये काम ज़्यादा ज़रूरी था, मेरी ब्लॉगिंग से ज़्यादा ज़रूरी मेरे बच्चों का ये काम था, तो बस उसी में लगी रही हूँ मैं। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ अच्छी फ्रेशनेस के साथ में, अभी बहुत थकान हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। और मुझे इतनी थकान हो रही है ना कि मैं बस अब ऐसे यहीं सोने वाली हूँ। बहुत है, अभी किचन भी साफ करना था लेकिन अब हिम्मत नहीं रह गई है, अब सोऊंगी मैं।